बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के बयान विरोध में जगह जगह हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया से है, रसड़ा से, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राम इकबाल सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी से जनपद में उबले हिंदू संगठनों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। बलिया में कहीं लाठी डंडे से पीट पीट कर पुतला फूका गया, तो कहीं बीजेपी के पूर्व विधायक की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया। वहीं महंत कौशलेंद्र गिरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अवसर दिया, लेकिन सिर्फ एक ही बार चुनाव जीत पाए, जिसको जनता नकार दिया है। वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, वह अब एक प्रधानी के चुनाव भी नहीं जीत सकते। इस तरह का बयान वह समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव के इशारे पर दे रहे हैं। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। प्रमाण है जिसको पार्टी ने लमसम 7 से 8 बार मौका दिया और उनको जनता नकार चुकी, और वो ख्वाब देखे कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने योग्य हूँ, तो हमको लग रहा है कि वो प्रधान बनने योग्य भी नहीं है, तो ये सपना ही उनका सपना रह जाएगा, ऐसा वो ख्वाब ना पालें। और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश विकास के राह पर चल रहा है, और पुनः दोबारा 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आखिर वो किसके इशारे पर इस तरीके से उलझ जुलूल? देखिए, अखिलेश यादव को खुश करने के लिए और सपा में वो जाना चाह रहे हैं, तो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए आज मठ पे भी हम सभी लोग मिल करके उनके बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किए हैं कि सद्बुद्धि आए, ना जी उनको सद्बुद्धि दें कि कैसे मर्यादित भाषा में किसी को कुछ भी कहना है तो मर्यादित भाषा का आप प्रयोग करें।